दोस्तों आज हम एक ऐसे पौधे कंद के बारे में बताने जा रहे हैं। इसे हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में वाराही कंद के नाम से जाना पहचाना जाता है। छत्तीसगढ़ निवासी इसे करुकांदा के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद में इस कंद का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। यह कंद शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करने, ताकत बढ़ाने के लिए अत्यंत गुणकारी होता है। आज हम इस वीडियो में इसी के पहचान और इसके महत्वपूर्ण लाभों के बारे में बताने वाले हैं। तो पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, आओ देखिए चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आइए अब इसके पहचान के बारे में बताते हैं। यह एक लता वर्गीय बेल होती है जो अक्सर जंगलों में झाड़ियों के बीच उगे चढ़े रहते हैं और खेतों के मेड़ों पर भी वनांचल भागों में देखने को मिलती है। इसके कंद जमीन में 1 फीट के अंदर ही मिल जाती है। फूल वर्षा ऋतु में ही बेलों में गुच्छों के रूप में होते हैं। इन गुच्छों में छोटे छोटे फल भी लगते हैं। इसके कंद का स्वाद बहुत ही कड़वा होता है। कंद के भीतर का भाग कोमल हल्का पीला रंग लिए होता है। कंद के चारों तरफ रेशे के समान पतले पतले जड़ होते हैं, जो सुअर जिसे छत्तीसगढ़ी में बरहा कहते हैं के शरीर के बाल के समान दिखता है, इसीलिए इसे वराही कंद कहा जाता है। इसका आकार लगभग गोलाकार रूप में होता है। वजन में इसका कंद न्यूनतम 10 ग्राम से लेकर अधिकतम 400 ग्राम तक हो सकता है। इसके कंद को वनवासी बहुत ही शौक से खाते हैं। कंद कच्चा नहीं खाया जाता है, बल्कि उबालकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर खाया जाता है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो आइए दोस्तों अब इसके महत्वपूर्ण औषधीय फायदों के बारे में बताते हैं। आप यदि अपने शरीर में कमजोरी महसूस करते हैं तो घबराइए नहीं। कमजोरी को दूर करने के लिए इसका अच्छा तरीका है। इसके ताजे कंद का सेवन कुछ दिन तक जरूर करके देखें। लंबे समय तक सेवन करने के लिए इसके कंद का चूर्ण बनाकर उपयोग कर सकते हैं। इसके कंद का चूर्ण बनाने के लिए कंद को खोद कर ले आएं और छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर खूब उबालें। फिर इसे 2-3 बार बहती धारा प्रवाह बहती पानी में धो लें, जिससे इसका कड़वापन निकल जाएगा। फिर इसे लाकर इसमें गुड़ मिला लें और कुचल मसल कर पेस्ट बना लें। फिर इसे धूप में सुखाएं और सूखने के बाद मिक्सी अथवा उखली से बारीक चूर्ण बना लें और डिब्बों में भर कर रखे रहें। प्रतिदिन सुबह सुबह खाली पेट में 5-5 ग्राम चूर्ण की मात्रा दूध के साथ सेवन करें और ऐसा 2-3 सप्ताह तक करते रहें। फिर आपको खुद ही महसूस होने लगेगा, शरीर में ताजगी स्फूर्ति बढ़ेगी। दोस्तों कहीं कहीं पर इसके कंद का सब्जी बनाकर भी खाया जाता है, जो कि पेट संबंधी कई प्रकार के बीमारियों को दूर करता है। यह खून की कमी को भी दूर कर शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाता है। खून बढ़ने से शरीर को ताकत मिलती है। इसका कंद शारीरिक बल को बढ़ाने के लिए बेहद ही लाभकारी होता है। कंद के चूर्ण में खनिज की मात्रा होती है। वाराही कंद कैल्शियम से भी भरपूर होता है, इसीलिए इसके कंद का सेवन करने से हमारे शरीर की हड्डियां भी मजबूत बनती है। तो यही थी वाराही कंद से होने वाले लाभों के बारे में जानकारियां। आज की जानकारियां अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई जानकारी वाली नई वीडियो के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।